अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अमूमन देखा जाता है कि डोरी केसों में ख्वातीन जो रहते हैं, लड़कियां जो रहते हैं, वही सच होते हैं और उनकी ही हर बात को सच माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लड़कियां होते हैं जो ऐसे कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अपने शोहर को बदनाम करते हैं। एक ऐसा ही वाकया सामने आया। वसीम नामी एक शख्स ने क्राइम ब्रांच से बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले उनकी बीवी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया, उन पर झूठा केस दर्ज किया और उनका ही घर कब्जा कर लिया। अब वो इंसाफ के लिए दर दर फिर रहे हैं। क्राइम ब्रांच से बात करते हुए उन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। शेख शफी और मोहम्मद मोहसिन के साथ ये रिपोर्ट देखिए। मैं सैयद हसन शाह अहमदनगर सैयदनगर का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ जो है 16 तारीख 2020 में मेरी कंप्लेंट करी थी, मेरी मारे दौड़े करे लोग, ये फेक न्यूज है। असल की क्या है बोले तो मेरे मैं घर लिया था 2016 में और 2013 में मेरी शादी हुई। इंदू जो है उनके पापा बिठा देते थे, मैं उनको पढ़ाया, डिग्री कराया, कंप्लीट कराया मैं, ठीक है, MBA पढ़ता था, उसके ISET के एग्जाम दिलाया मैं। उसके बाद जो है घर लिया 2016 में मैं अपने पैसों से घर बनाया था, ठीक है, मना के करके मैं जो है 2019 में अपना घर बनाया, कंप्लीट करा मैं 2020 में। मेरे को मेरे साले और मेरे साड़ू, हाँ, और मेरे मामू ससुरे इलावा मेरे घर पे आके उनको मार तोड़ के मेरे घर से बाहर कर दिए। आपके मामू ससुर वहाँ कहाँ रहते हैं? वही फसलांसर में रहते। क्या नाम है लोगों के? देखिए, मेरे साले का नाम इरशाद है, मेरे मामू ससुरे का अब्दुल रहीम है, हाँ, मेरे साड़ू का नाम मोहम्मद अजीमुद्दीन है, मोहम्मद सैयद अजीमुद्दीन है, उसका उनका भाई सैयद नईमुद्दीन है और उनके भाई उनके बड़े भाई जो है मोहम्मद सैयद मसीहुद्दीन मोइनुद्दीन है, ठीक है। ये लोग पूरे मेरे को आके और जो है मारे पीटे, चाकू ले लेके आए, डंडे ले लेके आए, मार के करके PS में ले आके मेरे को बिठा के कंप्लेंट लिख के दे दिया। आगे कार्रवाई नहीं कर कंप्लेंट, उसके बाद आज तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वहाँ जाने के बाद वो बोले कि बच्ची को मारा तोड़ा ये करा, तो पुलिस वाला बोला कि भाई जाइए आप हॉस्पिटल में मेडिकल कराइए, लाके रिपोर्ट दो, हम उसको केस बना के अंदर ला। आज तक वो लोग सामने कभी नहीं आता, ना रिपोर्ट दिए ना केस हो रहा, ठीक है। मैं अब घर मेरे पास मेरा घर है, मेरे पास ओरिजिनल पेपर्स है, सब है, ये लोग फेक रजिस्ट्री करा लिए, उनकी वादा दिए बोल के मैं क्या किया कि वहाँ से जो है कोर्ट से नोटिस भेजा मेरे को, ठीक है, कोर्ट से नोटिस भेजा, तो वहाँ पर उन्होंने बोलते कि मेयर रहते वहाँ पर, जबकि उनके आधार कार्ड पे वही है, उनके वादा के वहाँ पर है, जब पढ़े लिखे वहाँ पर ही थे सब, हाँ, वहाँ पर नहीं रहते बोलते, बोल रहे थे उनके मामों का घर का एड्रेस वहीं है, तो वही वो नहीं रहते बोल के भिजाते रहे। PS में गया मैं कंप्लेंट डाला, वहाँ से भी लगा, पुलिस वाले भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिए मेरे को। भाई मेरे ये मैं चाहता हूँ कि ये घर मेरा है, मेरे को मेरा घर चाहिए और मेरे बच्चे चाहिए, उसके पास मेरे पास पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, और मैं किससे लिया कहाँ से लिया सब है, और मैं पैसा कहाँ, उनके वालिद साहब जो है ना, देखिए दारुसलाम के बाहर ATM है, ATM के बाहर सिक्योरिटी का गार्ड करते, उनकी सैलरी 7 से 8 हज़ार रुपये, मेरी 2013 से मैं उनको देखता हूँ, वहाँ पर इस काम करते हैं। क्या नाम है उनका? सैयद सफावत हुसैन। आपका जो घर ना कब्जा करके बैठे बैठे बोल रहे हैं, वो घर कहाँ है? सैयद नगर फसान साहब, सैयद नगर एक मीना मदीना मस्जिद के ब्रिज से पहले, एक से पहले मेरा राइट साइड है मेरा मकान है, ठीक है। मैं सऊदी में 5 साल रह के कमाया करा, मैं बाहर शादी से पहले बाहर था, वहाँ पर वो पैसा मैं लेके आके जो है घर लिया, फिर उसके बाद ये मकान लिया मैं अपना आज़ादी करा, हाँ, पैसे जो है मैं अपने बाहर कमा के आया, उसके बाद हमने भाईगंज से लिया, वालदागंज से लिया, लेके करके ये घर में ससुराल का 1 रुपया भी वल्लाह कसम नहीं है, उनको अगर है वैसा आ बोलो डॉक्यूमेंट बता बोलो, मोहम्मद अल्लाह रसूल के कसम खा बोलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुल की या 3 बच्चों की रख के खा के बोलो कि भाई उनका पैसा है बोलते, नो कहाँ से लाए, कहाँ से कमाए, किधर से आया पैसा वो बताओ, मैं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स है मेरे पास,
सब चीजें रख के मैं सबसे सामने आ रहा हूँ भाई, ये घर मेरा है, उनके उनके पास कुछ नहीं है, उनके उनको जो है ना उनके मामू पड़ासू है पूरी से। शादी के बाद मैं भी थोड़ा सपोर्ट करूँ, शादी से पहले उनके मामू पड़ा है, उनके उनके वाले साहब नहीं पड़ा है। मेरा नाम अजीमुद्दीन खान है, मैं वसीमुद्दीन खान का बड़ा भाई हूँ। कि जो 17 फरवरी 2019-2020 में जो कंप्लेंट डाले थे लोग फसलान सर सैयद नगर मदीना मस्जिद के पास जो मेरे भाई का मकान है, उनकी अहलिया आसमा फातिमा, उनकी वालदा, उनके भाई इरशाद के जो न्यूज़ डाले थे लोग के भाई हमारे बच्चे को मार दे रहे कर दे रहे बोल के, ये सरासर गलत है। मेरा भाई 2013 में शादी करा था और 2016 में घर लिया, 2019 तक उन्हें काम चला घर का, दो रूम हॉल वगैरह जो है बनाया हूँ। इसमें मेरा पैसा मेरी वालदा का पैसा था जो उन्होंने लिए थे बदल और घर बनाने के लिए लिए थे। जैसा घर बनाया इन लोग जो है ना इनके अटैक करके मार तोड़ के हटा दिए और फेक रजिस्ट्री कराए, इसका पूरा मेरे पास सबूत है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है हर चीज़ के। उसके बाद मैं एडवोकेट के जरिए जो है ना इनको नोटिस भी जाया था तो वो लोग बोलते कि यार नहीं रहते और झूठे बयान दे रहे हैं कि ये लोग जो है ना मालिक साहब कॉपरेट नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक साहब दो मरतबा इनको बुलाए और अच्छी तरह समझाए, लेकिन ये लोग समझने वाले नहीं है। पुलिस वाले झूठे हैं, पुलिस वाले जो है ना पैसे खाए बोल के बोले, ये भी सरासर गलत है। कोई पुलिस वाला पैसा नहीं खाया, अगर खाया तो लाओ उनका नाम बराबर मीडिया में आके बोलिए अभी फलाना पुलिस वाले हैं खाए बोलिए पैसे। ये लोग का मकसद सिर्फ यही है कि अच्छे लोगों को फंसाना, शादी करना, घर प्रॉपर्टियाँ कर लेना, बाद में जो होता देखेंगे। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करता हूँ और हमारे बैरिस्टर सत्य रवि साहब से अपील करता हूँ कि ऐसे औरतों के खिलाफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे औरतों गलत है, ऐसे औरतों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, इनके लिए कानून बनाया जाए। आने वाले औरतों के लिए जो ऐसे शोहरों को जो है ना अपने प्रॉपर्टी का नाम पे कर लेंगे, से रजिस्ट्री करा लेंगे, जो है सो मर्द हजरात को जो है ना परेशान कर रहे हैं, इससे कानून बनना चाहिए। और मैं क्राइम टुडे की जानकारी से गुजारिश करता हूँ कि ये न्यूज़ को जो है ना तेलंगाना गवर्नमेंट और अम्मायान के सदर असदुद्दीन अहमद साहब तक पहुँचाए, क्योंकि ये लेडीज जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे औरतें खराब है, ऐसे कुछ औरतें हैं जो मर्द हजरात को खराब कर दे रहे पैसों के लिए प्रॉपर्टी के लिए, इन पर कार्रवाई की जाए। और इस चैनल के जरिए मैं गुजारिश करता हूँ कि इसे काफ़ी जो है ना अच्छे तक ले जाए इस चीज़ को। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General, Harya. Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.